जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन ने शुरू की है एक विशेष श्रृंखला जिसका नाम है हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं नागालैंड के प्रख्यात संगीतकार और नव प्रवर्तक मोआ सुबोम के बारे में, जिन्होंने बमहम नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया है। आधुनिक लय और नागा लोक धुनों का मिश्रण, जिसके आविष्कारक हैं स्वयं मोआ सुबोम, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। एक बड़ी बांसुरी जैसा दिखने वाला बमहम दो शब्दों बम्बू और हमिंग से बना है, जिसे मोआ सुबोम विश्व का सबसे सरल वाद्य मानते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुबोम ने नागा लोक धुन और आधुनिक धुन का एक मिला जुला रूप संगीत की नई शैली होवे और टिक्जिक नामक एक वाद्य यंत्र का भी आविष्कार किया है। Invented and looks like a flute, but it is not a flute. Necessity is the mother of all invention. Likewise, when my wife Arulla, she was appointed as guru to teach folk theater and music, we were looking for various traditional instruments. Most of the musical instruments couldn't play many of the notes that she composed or wanted to play. Let's give it a try on guitar or violin, piano. So that triggered me. I said, I must do something. And through many trials and error, this bamham came about. We started this band in the year 91. And we started as a rock band. Arulla and I discussed our Naga folk songs or music different from other traditional cultures of the world. So we thought we should incorporate our beautiful sounds into our modern rhythms. अपनी पत्नी अरेनला के साथ सुबोम नागालैंड की अनकही कहानियों को मधुर गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। वे 90 के दशक में मादक पदार्थों से युवाओं को संगीत के जरिए बचाने, HIV जैसी सामाजिक मुहिम के साथ भी जुड़े और आदिवासी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी प्रयासरत रहे हैं। मोआ सुबोम इज माय फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड, एंड ही इज हार्ड वर्किंग पर्सन। ही नेवर गिव अप टू क्रिएट म्यूजिक एंड प्लेइंग म्यूजिक विद हिज वाइफ एंड ही होल फैमिली। They are the family band. And really now, what he's doing is, now he wants to change the music for the Norris and especially our folk songs. And he create a music instrument also. Now the Norris artists, they are so happy. We are proud of that. And they give a lot of encouragement to the artists because to the artists now on to give big recognitions to the grassroots artists. नागालैंड लोक कथाओं की भूमि है, जहाँ संगीत जीवन का एक अभिन्न अंग है। विभिन्न जनजातियों के पास ताती, ठेकू, असेम, जेमजी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, जो उनके रीति रिवाजों को महत्व प्रदान करते हैं। ऐसे में बदलते वक्त के साथ नए दौर के आधुनिक रॉक संगीत के साथ परंपरागत नागा संगीत का फ्यूजन कर युवाओं को नागा संस्कृति की ओर आकर्षित कर रहे हैं मोआ सुबोम। नागालैंड के गायक, संगीतकार, गीतकार एवं इनोवेटर मोआ सुबोम को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई।